सो ओके इट इज ऑन रिकॉर्ड मोड. सो स्टूडेंट्स हम लोग आज पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनेरियो, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या सिनेरियो है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का बेसिकली. सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सिनेरियो व्हिच वी लर्नड इन इंडिया ओनली. तो आज हम देखेंगे पूरा. सो इसमें क्या है कि एनर्जी एक कैंपेन चला गया था, एनर्जी ट्रांजेक्शन कैंपेन, जो जिसका नाम था क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल कैंपेन करके, ठीक है. सो इसका शॉर्ट फॉर्म है CEM, जो बेसिकली डेनमार्क में शुरू हुआ था. इसका एम क्या था? इसका एम था कि ऑल ओवर द कंट्रीज को हम इंक्लूड करें फॉर द सपोर्ट. क्या हो पाए, हम इम्प्रूव कर पाए किस चीज को, कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए जिसमें से हमारा जो ये आजकल का एनर्जी कंजप्शन और ये प्रोडक्शन का ये जो मतलब पैटर्न है ना, उसको हम क्या कर पाए, एक कुछ हद तक ना एक लिमिट कर पाए और उसको एक अच्छे से मेंटेन करें, ताकि जो हमारा एनर्जी का जो हमारा कंजर्वेशन सिस्टम है ना वो एक स्मूथली चले. सो इसलिए कैंपेन बड़े लेवल पे चलाया गया था, ताकि सारी कंट्रीज आपस में आके ये एक साथ चीजों को क्या करें, चीजों को इम्प्लीमेंट करें. सो इस कैंपेन का ये मतलब नहीं था कि और नए मॉडल्स को इंक्लूड करें या और चीजों को डेवलप करें. जो चीजें हैं उन्हीं चीजों के साथ या कुछ हद तक नए मॉडल्स भी हम कह सकते हैं किए गए रेडी, बट ये था कि हम और ज्यादा इंक्लूड नहीं करेंगे कुछ ज्यादा मॉडल्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कुछ ज्यादा मतलब स्कीम्स कह सकते हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट स्कीम्स निकालते ना कि ये आजकल ये मतलब पैटर्न है. जैसे कोई भी जैसे योजना आती है हमारे आज मतलब आजकल जो भी देश में योजना आती है, प्रधानमंत्री योजना, ये सब चीजें, इसका एम क्या है, लोगों को अवेयर कराना चीजों से रिलेटेड, सो दैट जो भी बैलेंस कंडीशन पे बाकी चीजें इंप्लीमेंट कर पाए. सो इसका भी यही मतलब था कैंपेन का, कि इसमें ज्यादा नए मॉडल्स नहीं बनाने, ज्यादा नई प्लानिंग्स को नहीं लाना है, जो चीजें हैं उसी में आप लोग देखो आप क्या कर सकते हो, कैसे बैलेंस कर सकते हो सिचुएशन को. अब इसमें क्या है, तीन चीजों पे फोकस किया गया, बेसिकली तीन थीम्स पे कह सकते हैं फोकस किया गया हम लोगों को, तीन कैंपेन्स पे कह सकते हैं, जिससे हम लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनेरियो को कंसिडर कर सकते हैं. तो ए वन बाय वन हम तीनों चीजें पढ़ेंगे. पहला हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेशन सिनेरियो इनटू डिसीजन मेकिंग. इंटीग्रेशन सिनेरियो इनटू डिसीजन मेकिंग, अब इसका मतलब क्या है, ओके इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि कैसे एनर्जी प्लानिंग हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए फॉर बेटर पॉलिसी एंड मेकिंग एक्सप्लोरिंग हाउ सिनेरियो कैन मेड रेलिवेंट टू प्राइवेट इन्वेस्टर. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड हैं गवर्नमेंट के साथ, जो क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं हमारे इस कैंपेन को चलाने में, दे कैन ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट गवर्नमेंट कैसे कि भाई ये स्कीम है, इससे ये फायदा हो सकता है. और जितने ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टर या सेक्टर उन गवर्नमेंट के साथ जुड़ेंगे, उतना ज्यादा हम लोगों को क्या होगा, बेनिफिट होगा. किसको, गवर्नमेंट को, इन शॉर्ट पूरी कंट्री को, इन शॉर्ट पूरे वर्ल्ड को, जितनी कंट्रीज इंक्लूड हैं. चलो अब हमने देखा कि जितने अगर प्राइवेट सेक्टर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं गवर्नमेंट के साथ, जितनी भी डिफरेंट कंट्रीज के, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को इजी हो जाएगा, उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना भी इजी हो जाएगा कि भाई अच्छा ठीक है ये प्लानिंग है ओके. और जितने ज्यादा मतलब शार्प माइंडेड लोग जुड़ेंगे उस कैंपेन में, उतना ज्यादा अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा. क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी कंजर्वेशन को हम एक अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, लोगों में ज्यादा अवेयरनेस हो पाएगी इस चीज की. तो ये कैंपेन इसी तभी सक्सेसफुल हो पाता है कोई भी, जब हमारे कैंपेन में अच्छे लीडर्स हों, हम लोग अच्छे से उस चीज को लोगों तक पहुंचा पाए. ये इस चीज का मतलब है हमारे पास, ये वाला इंटीग्रेटिंग सिनेरियो इनटू डिसीजन मेकिंग. मतलब जितने ज्यादा प्राइवेट हमारे इन्वेस्टर या कह लो आपके पास सेक्टर्स इंक्लूड होंगे गवर्नमेंट के साथ, जितनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज वो प्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट को कि ये पॉलिसी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ये सब चीजें, उतना ज्यादा हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा. सो इट वॉज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटिंग सिनेरियो इनटू डिसीजन मेकिंग. Then we will going to study about the improving scenario for the clean energy transition. ठीक है, improving scenario for the clean energy transition. अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनेरियो है ना, इसको ज्यादा हम मजबूत या फिर ज्यादा बेटर कैसे बना सकते हैं, और ज्यादा बेटर ऐसे बना सकते हैं कि जितनी भी एनर्जी स्कीम्स है ना उनको एक लेवल पे इंक्लूड करना। मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास, जैसे अभी हमने देखा प्राइवेट इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं, कोई भी कंपनीज अलग अलग जो गवर्नमेंट को क्या करती है, इन्फॉर्म करती है अबाउट द पॉलिसीज की ये पॉलिसी करा, मतलब पॉलिसी वो वाली पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी मतलब कोई स्कीम, कोई पैटर्न, कोई प्लान, ये प्लान हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले इतने सालों में हम ये वाला रिसोर्स बचा सकते हैं, ये प्लान करेंगे आने वाले टाइम पे ये रिसोर्स हम ऐसे बचा सकते हैं। सो वो कितने अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करते हैं, जितनी भी कंट्रीज में जितनी भी गवर्नमेंट्स है कैसे वो इंक्लूड करती है अपना प्लान, कैसे वो मतलब उस प्लान को स्ट्रेंथ कर, ये नहीं है कि अच्छा ठीक है प्लान तो बहुत अच्छा है बट इसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसको एग्जीक्यूट करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोग देख रहे हैं इतना फंड नहीं है हमारे पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्लान है ना इस तरीके से हमारे पास एग्जीक्यूट होना चाहिए ताकि उसको बहुत ही ज्यादा मजबूत हो और अच्छे से बेटर से उसको प्रेजेंट कर पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पूरा फंड है तो उसको पूरा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अगर अच्छा प्लान है अच्छी एग्जीक्यूशन भी होनी चाहिए। तो हमारा एनर्जी सिनेरियो इस चीज के लिए भी कहता है, क्लीन एनर्जी ट्रांजेक्शंस आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस सिनेरियो। कौन सा सिनेरियो? लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनेरियो, ठीक है। सो ये टेक्निकल टर्म्स में मैंने इस तरीके से लिखा है, मैंने आपको ये समझा दिया। और जो लास्ट वन थर्ड वन है वो क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग कैपेसिटी बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स। आइडेंटिफाइंग कैपेसिटी बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, क्या आइडेंटिफाई करना है? कैपेसिटी बिल्डिंग, कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। सो अब इसको देखते हैं, एनालाइजिंग योर लॉन्ग TES, इसका मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एनालाइजिंग लॉन्ग टर्म एनर्जी सिनेरियो, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एनालाइजिंग वेयर लॉन्ग टर्म सिनेरियो डेवलपमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड एंड हाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस कैन बी शेयर्ड टू एनहांस इंस्टीट्यूशनल सिनेरियो प्लानिंग कैपेसिटी। इसका मतलब यही है कि पहले तो हम लोगों, देखो कोई भी काम करते हैं ना उसमें आप लोग सबसे पहले सोचते हो, एनालाइज करते हो क्या चीज बेटर रहेगी, कोई बुक लेते हो मार्केट में जाके आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, जैसे कोई बुक है आप लोग पहले देखते हो अच्छा ये बुक बेटर रहेगी या ये, उसका सिलेबस चेक करते हो, उसका कंटेंट चेक करते हो मैच करता है कि नहीं करता, तो आप एनालाइज करते हो चीजों को। सो हम यहाँ पे भी जितनी भी प्लान्स और जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं एनालाइज करते हैं कि आने वाले मतलब फ्यूचर में कौन सी ज्यादा बेटर रहेंगी, ये वाली बेटर रहेगी या ये बेटर रहेगी। सो उसको इस तरीके से एनालाइज करके प्लान करते हैं तभी हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो यही चीज इसमें बताई गई है, पहला स्टेप तो एनालाइज करो तुम लोग की क्या प्लानिंग्स है, ये गवर्नमेंट का काम है ये चीजें एनालाइज करना, ये डिसीजन जितने भी गवर्नमेंट ले रही है हमारा काम है प्रेजेंट करना उन चीजों को सामने, हमारा इन द सेंस की प्राइवेट इन्वेस्टर जो उस कैंपिंग के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर द कैंपिंग एज ऑपरेटिंग एजेंट दानिश एंड जर्मन गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय एडिशनल कंट्रीज मेंबर्स एंड टेक्निकल पार्टनर्स। अब एक कैंपिंग और स्टार्ट किया गया जिसका एजेंट था दानिश, दानिश करके नाम दिया गया उसको, ठीक है। उसमें क्या किया, जर्मन गवर्नमेंट जो थी ना उसने सपोर्ट किया इनके मेंबर्स को, इनके टेक्निकल पार्टनर्स को, क्यों किया, इसमें इतना ही पॉइंट दिया था मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जो इनका पॉलिसी है इनकी प्लानिंग थी ना जो इन लोगों ने प्रेजेंट की थी जर्मन गवर्नमेंट के वहां, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, दैट्स व्हाई दे हैव सपोर्टेड देम एंड अलाउड देम टू इम्प्लीमेंट देयर प्लान। सो नेक्स्ट वन है एरेना एग्जीक्यूट द कैंपिंग एज ऑपरेटिंग एजेंट। अब ये जो जितने भी नाम है ना यही आपको इम्पोर्टेंट चीजें याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि फिर यही चीजें आप अपने पॉइंट्स में इंक्लूड करोगे, यही मेन मेन चीजें, अगर एमसीक्यू पेपर हो जाता है तो ऐसी चीजें आपको डायरेक्टली पूछी जाएंगी, ठीक है। अब एक और ऑपरेटिंग एजेंट, ऑपरेटिंग एजेंट मतलब जो जो जैसे कैंपिंग है टोटल उनके सब डिविजनल पार्ट्स जैसे कर दिए हैं, सो उनके कुछ कुछ ऑपरेटिंग एजेंट्स है, जैसे एजेंट वन ये है उसके अंडर बहुत सारी फर्म्स, बड़े सारे लोग, बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती है तो उनको एक एक नाम दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास ये वाली ऑर्गेनाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनाइजिंग अ सीरीज ऑफ वर्किंग टू प्रमोट एन एक्सचेंज ऑफ इनसाइट्स एंड कंपाइल बेस्ट प्रैक्टिसेस अमंग पार्टनर मेंबर्स एंड बियॉन्ड।
इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, इस वाले ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेटिंग एजेंट काम कर रहा था, इसका इसका काम क्या था कि ऐसे काम को इंक्लूड करे, ऐसे बहुत सारे सीरीज ऑफ वर्किंग, मतलब कि ऐसी बहुत सारी सीरीज मींस बहुत सारी, टेक्निकल टर्म सीरीज रेजिस्टेंस होता है ना, एक के बाद एक के बाद एक, वैसे ही यहाँ पे होता है कि बहुत सारी एक के बाद एक ऐसे काम को प्रमोट करे जो हम लोग एंड में देखें, जिसका रिजल्ट जो है ना हमारे पास क्या आए कि ये बेनिफिशियल हो, ठीक है, ये क्या हो, बेनिफिशियल हो. सो ऐसे लोगों को इंक्लूड करना अपने कैंपिंग में जो बहुत ही ज्यादा शार्प और वो मतलब ऐसे माइंड की जो लोगों और जो लोग मतलब इस चीज में हेल्प कर पाए, ना कि उन लोगों को उठा लेना जो सिर्फ पैसा या करप्शन करे, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है एंड मोस्टली कंट्रीज में ऐसा होता ही होता है. ठीक है, इस पॉइंट का मतलब ये था. सो हमारे पास एक और इसके अंडर ही एक और पॉइंट आता है. So, ये वाला है, the campaign will have a strong presence at CEM. इस कैंपेन का ना बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हमारे कौन सी किसमें, CEM मतलब मैंने क्या बताया था, हमारी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ये इसका बड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ा जो कैंपेन अभी चलाई ना इन लोगों ने, इनके जो एजेंट्स थे, जो दो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई, दानिश और कौन सी एरेना, उसका बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इस वाली कैंपेन पे. इसकी वजह से क्या हुआ, 10 इन वेकनोर इन मई, ये इस जगह पे क्या किया 2019 में, वेयर सिनेरियो डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड फ्यूचर रिकमेंडेटेड विल बी प्रेजेंटेड टू मिनिस्टर्स एंड हाई लेवल पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पे वॉज आएगा, विल भी नहीं आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, वर. सो दिस वॉज सम ग्रामेटिकल मिस्टेक, आई एम श्योर आप लोग करेक्ट कर लेना. यहाँ पे इस जगह पे क्या किया गया था, इस CEM के मतलब मई 2019 में इस सिनारियो को क्या किया गया था, प्रेजेंट किया गया था किसके सामने, एक काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी या फिर आप सेमिनार कह सकते हो, हुआ था मिनिस्ट्री सारे, मतलब मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर्स जो उस ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन के जो मिनिस्टर्स थे या फिर हाई लेवल पार्टिसिपेंट्स थे जिनकी प्लानिंग, जैसे हम लोग प्रेजेंट करते हैं ना, प्रेजेंटेशंस देते हैं हमारा जो सेमिनार या कॉन्फ्रेंस होता है, सो वो सब लोग जिनके पास अपनी अपनी प्लानिंग थी, जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे, उस कैंपिंग का हिस्सा थे, वो सब लोगों ने एक बार क्या किया था, एक मतलब काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन सब ने पार्टिसिपेट किया था और अपनी अपनी प्लानिंग्स को प्रेजेंट किया था, काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन दी थी कि विच विल बी बेनिफिशियल एंड विच विल नॉट बी अ बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड, वी कैन से दैट फॉर द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड लेवल पे ये चीजें हुई थी. द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज साइंड अप टू द CTS CEM कैंपेन. अब किन किन हमारी कंट्रीज की गवर्नमेंट ने उन कैंपेन्स को मंजूरी दी, उनके नाम है ब्राजील, कैनेडा, चाइल, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड एंड यूके. ठीक है, ये सारी कंट्रीज हैं जिनके गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि हम ये प्लानिंग, हम लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद है, ये चीज बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो सकती है, इनके रिसोर्सेस इसी तरीके से हम लोग वी कैन मेंटेन पैटर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम लोग इस चीज को यस करते हैं. तो ये थी इन कंट्रीज की गवर्नमेंट. और अब क्या है, CEM कैंपेन ने ऑल्सो दे सपोर्टेड द नंबर ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस थे, पहले तो ये नॉर्मल मतलब प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर रहे थे जो सिर्फ प्लानिंग दे रहे थे, काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट सेक्टर थे, अब इन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को भी सपोर्ट किया. क्यों किया, विद द हेल्प ऑफ देम दे कैन नो दैट कि टेक्निकली हम लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज होने वाली है. सो ये वाली कैंपेन का ये मतलब था और ये थे तीन पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए. सो आई होप ये सब क्लियर है आपको.